गांव के रास्ते होगा, दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने वाले लोग इस बात का ध्यान नहीं रख पाए कि 20 लाख लोगों को सोलर पंप देंगे 2022 तक का टारगेट है उनका। तो वो रास्ता क्या वो भूल गए कि 20 लाख लोगों को जब आप देंगे तब वो कुछ बात बनेगी, और इस गांव में कितने किसान हैं जिनको आप 20 लाख पर सीमित कर रहे हैं। नंबर एक तो ये है कि जो सोलर पंप की योजना है इसको बढ़ा देकर कम से कम, जो आपने 20 लाख कहा है तो इसको कम से कम 2 करोड़ करना चाहिए था, नंबर एक। नंबर दो, जिन गांव को जिन किसानों को आपने फोकस किया है तो क्या इस फोकस में ये है कि किसानों के जो कर्जे हैं जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या इन कारणों से क्या किसानों की आत्महत्या रुकेगी, या किसानों को इससे कितना फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, या पीछे आपने कितना फ़ायदा पहुंचाया? आपकी लगभग 6-6.5 साल की सरकार हो गई है, किसी भी तरह से किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक पा रही हैं, और आज जो आपने बजट दिया है इससे किसानों को और ज़्यादा नाराज़गी, और ज़्यादा उसमें गुस्सा बढ़ेगा, और ज़्यादा किसानों को जो फोकस करने का प्रयास किया है वो बिल्कुल किसी कीमत से निष्क्रिय है। जब आपने ऊँट के मुँह में जीरा डाला है तो थोड़ा सा ढंग से उसको दे देते। दूसरी बात यह है कि जितना आपने किसानों को देने का प्रयास किया है उसके मुकाबले में उससे ज़्यादा तो आपने शहर की सरकारों को दिया हुआ, जो शहर का इलाका है, शहर के इलाके में आप देते हो, और जहाँ से आप दिल्ली पहुँचते हो वो रास्ते को आप हमेशा काट के आते हो। आज भी कुछ ऐसी स्थिति आपके बजट से मुकम्मल निराशाजनक है। बहुजन समाज पार्टी आपके इस बजट का नकारती है, इसका विरोध करती है, और आपसे उम्मीद रखती है कि निकट भविष्य में इस पर पुनर्विचार करें और किसानों को जो लाभ देने का आपने प्रयास किया है उसकी कसरत और बढ़ाएं और ज़्यादा करें। जब आप ज़्यादा करेंगे तभी किसानों का भला होगा, सरकार आपकी हो या सरकार हमारी हो। हमारा मामला राष्ट्र ही तो देश हित से है, देश के लोगों से है, देश के किसानों से है, गरीब से, मजदूर से, इनसे भी है। इन जिन रास्तों को आपने चुना है यह रास्ता देश को विकास के पथ पर ले जाने वाला नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।